रोग समाधान में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों आपको पुरानी कब्ज के बारे में बताएंगे कि पुरानी कब्ज को आप कैसे घरेलू जड़ी बूटियों से दूर कर सकते हो, क्योंकि पुरानी कब्ज एक ऐसी बीमारी होती है, अगर आपको लगातार पुरानी कब्ज चलती रही इससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, जैसे बवासीर, हर्निया आदि बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। आयुर्वेद में माना गया है कि जिस आदमी का पेट ठीक नहीं है, अर्थात पेट के रोग हैं, उसको कब्ज रहती है तो उसको बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। अगर उसका पेट ठीक है, कब्ज नहीं है, तो उसको दूसरी बीमारियां कभी भी नहीं लगती। तो पुरानी कब्ज को दूर करने के लिए हम आपको एक घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको इससे लाभ हो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य कीजिए। आप चाह रहे कि वीडियो की सबसे पहले जानकारी आपको मिले, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाए। पुरानी कब्ज दूर करने के लिए घरेलू नुस्खा: बेल का गुद्दा 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम, इसबगोल की भुस्सी 100 ग्राम, छोटी इलायची 10 ग्राम, इन चारों को कूट पीस कर दरदरा चूर्ण बना लें। फिर उसमें 300 ग्राम देसी खांड या बुरा मिलाकर किसी कांच की शीशी में सुरक्षित रख लें। अभी आपकी दवाई तैयार होगी। दवा खाने की विधि: 10 ग्राम दवा सुबह नाश्ते से पहले ताजे पानी के साथ लें और शाम खाना खाने के बाद 10 ग्राम दवा गुनगुने जल के साथ या दूध के साथ लें। यदि आवश्यकता समझे तो दोपहर को भी खाना खाने के बाद ताजा जल से दवा खा सकते हैं। एक सप्ताह के बाद फायदा अवश्य होगा। करीब 45 दिन खाकर छोड़ दें। यह दवा पेट के मल को साफ करेगी और पुरानी आंत और आंतों की सूजन को जड़ से साफ कर देगी। यह नुस्खा करीब 500 से अधिक कब्ज व गैस बनने, पेट की बीमारी तथा कोलाइटिस के मरीजों पर अजमाया हुआ नुस्खा है और बहुत ही लाभदायक साबित हुआ है। परहेज: दवा खाते समय खटाई, लाल मिर्च और ग्रिष्ट पदार्थ अर्थात भारी पदार्थ जैसे राजमा, छोले, उड़द की दाल, वायु करने वाली चीजों का सेवन न करें या कम से कम करें। 45 दिन दवा खाने पर 1 किलो वजन भी बढ़ सकता है। दवा खत्म होने पर उसी अनुपात में ताजी दवा फिर से बनानी चाहिए। आपको एक घरेलू नुस्खा बताया, आप इसको इस्तेमाल कीजिए और आपको इसके बारे में कोई भी डाउट हो तो आप हमारे को कमेंट कीजिए।